हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम टॉप टू डाउन रेगलान डिज़ाइन बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल का। यूज़ हम तब करते हैं जब हम गले से स्वेटर शुरू करते हैं। गले का बॉर्डर बनाने के बाद हमें ये वाला डिज़ाइन बनाना होता है। हर सिलाई में हमारे दो दो फंदे बढ़ते जाते हैं, जिसमें एक फंदा हमारे एक पीस में मिल जाता है और दूसरा बढ़ा हुआ फंदा दूसरे पीस में बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 12 फंदे डाले हैं। 12 फंदे में मैंने 6 फंदे इधर बुनने के बाद फिर ये डिज़ाइन बनाया है। डिज़ाइन बनाते बनाते यहाँ पे मेरे 32 फंदे हैं। पहले मैं 16 फंदों को बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे डिज़ाइन बनाना है। अब यहाँ पे हमारे आधे आधे फंदे हो गए हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देख लीजिए, जितने भी फंदे होंगे आधे इधर रखने हैं, आधे इधर रखने हैं। अब हमने डिज़ाइन बनाना है। ये बीच में एक धागा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, इसमें हमने सिलाई को ऐसे डालना है और एक फंदा हमने ऐसे करके बुन लेना है। ये हमारा फंदा बन गया है। अब इस फंदे को हमने इस सिलाई पर ऐसे ले लेना है। उसके बाद इस फंदे को हमने सीधा बुन लेंगे। इस तरह हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ गया है। अब हमने फिर से सिलाई को इस धागे के नीचे से ऐसे लेना है और इसको हम सीधा बुन लेंगे। इस बार हमने इस सिलाई को, धागे को ऐसे करके, इस फंदे को हमने ऐसे लेना है, सिलाई को नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लेंगे, जिससे ये फंदा हमारा सीधा हो गया। अब इसको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह दो फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब बाद में सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। बैक साइड की पूरी रो हमने उल्टी बननी है, क्योंकि उधर कोई डिज़ाइन नहीं बनेगा हमारा। बैक साइड की पूरी रो उल्टी बन के कम्प्लीट कर ली है। अब आते हैं सीधी साइड में। और फ्रेंड्स, यहाँ क्या करना है, पहले हमारे यहाँ पे 16 फंदे थे, अब हमारे 17 फंदे इधर हो जाएंगे, 17 इधर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे दोनों सिलाई पे आधे आधे फंदे हैं। अब हमने यहाँ बीच में एक धागा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला धागा, ये धागा, इस सिलाई को ऐसे धागे के नीचे से पीछे की तरफ को डाल दिया है और धागा ऐसे लपेटेंगे और ऐसे सीधा फंदा ऐसे बुन लेंगे। उसके बाद इस फंदे को हमने ऐसे सिलाई पे लेना है और बाद में इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह एक फंदा हमारा इधर बढ़ गया है। अब दूसरी बार फिर सिलाई को धागे के नीचे से ऐसे डालेंगे और इस धागे से ऐसे लपेटते हुए एक फंदा हम ऐसे बना लेंगे। इस बार हमने इस फंदे को ऐसे नीचे से लेना है, ऐसे नीचे से ले करके इसको हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो पूरी रो को हमने सीधा बुन लेना है और बैक साइड की पूरी रो हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह बैक साइड की पूरी रो मैंने उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। इससे आपने फिर से यही इसी डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे, तब तक हमने बनाना है जब तक कि हमारे मुड्ढे की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, इस तरह ये मेरा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है, जाली जाली जैसे आता है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।